रानी ने पूछा है, डॉक्टर अगर किसी की वेन कट जाए तो आप उसको दोबारा से कैसे जोड़ते हो? वेन क्यों काटना है, इसे मारने मारने की बातें क्यों करते रहते पता नहीं। देखिए सनी जी, अगर किसी अगर सबसे पहले तो वेन और आर्टरी में बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। वेन जो होता है उसके अंदर जो एयर का प्रेशर होता है वो काफ़ी कम होता है, इसलिए उसका जो ब्लीडिंग है वो हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वेन में छोटा सा ही कट लगा होता है तो प्रेशर बैंडेज से कम्प्लीटली ठीक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर वेन कट हो गई है तो मैं ये हाथ को इस तरह से रखूंगी ताकि बिकॉज ऑफ ग्रेविटी वो जो ब्लड है वो यहाँ से निकलेगा नहीं, और यहाँ पे एकदम टाइट प्रेशर बैंडेज बांध दूंगी। ओके, तो इस तरह से ये ब्लड फ्लो को या ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम प्रेशर बैंडेज बांधते हैं तो ऑटोमेटिकली बॉडी के क्लॉटिंग फैक्टर्स की वजह से वो जो छोटा कट होता है वो हील हो जाता है। अगर थोड़ा सा बड़ा कट होता है या फिर कम्प्लीटली वो वेन अगर कट जाता है जैसे एक्सीडेंट्स में होता है, तो उसके लिए फिर हम लोग को वीनस रिपेयर करना होता है, जिसके लिए हम लोग वैस्कुलर सर्जन को बुलाते हैं जो माइक्रोस्कोप के नीचे माइक्रो इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए वो वेन जो है उसको स्टिच करते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो वैस्कुलर सर्जन है वो वेन्स को ज़्यादातर उसको इतना ज़्यादा रिपेयर नहीं करते। अगर वेन कट गई है तो उसको सिर्फ लाइगेट कर देते हैं या उसको सिर्फ सूचर कर देते हैं, और वेन अपने आप अपना नया रास्ता खोज देती है या अपने आप वो बाईपास कर लेती है। अगर आर्टरी होती है तो वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होती है, तो अगर आर्टरी अगर कट जाती है तो उसको वैस्कुलर सर्जरी के थ्रू उसको रिपेयर करना पड़ता है, उसको सूचर अप करना पड़ता है और उसका प्रॉपर एनास्टोमोसिस डेवलप करना पड़ता है। ओके, आई होप आपको पता चल गया मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप बम्पर नहीं गया। अगर बम्पर गया हो तो मैं और इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूंगी।